दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल राजवाला किचन के राजवाला किचन पे आपका स्वागत है। आज हम देखिए परमल की सब्जी बनाने जा रहे हैं। हमने सामान तैयार कर लिया है। ये देखिए हमने परमल छील के तैयार कर लिए हैं और जो परमल हमारे पका हुआ निकलता है उसमें बीज पका हुआ होता है, हम उसको एक साइड कर देते हैं। दो टमाटर हमने ये छील के, क्योंकि मेरे बच्चे छिलके नहीं खाते हैं तो मैं छील के डालती हूँ, हमने उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और एक मीडियम साइज़ का प्याज और दो लहसुन की कली। अब हम परमल की सब्जी बनाने जा रहे हैं दोस्तों, आइए। हमने गैस ऑन कर दिए और गैस पे हमने कुकर चढ़ा दिया है। देखिए दोस्तों हम परमल कुकर में बनाएंगे। अब हम कुकर में थोड़ा सा तेल छोड़ेंगे। देखिए यहाँ हमने तेल डाल दिया है। अब हम इस तेल को गरम करेंगे। जब तक धुआं ना उठे तब तक हमारा तेल गरम होगा। हमने इसमें जीरा डाल दिया है। अब हम तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें प्याज और जीरा डालेंगे। अब हम ये प्याज और लहसुन भून लेंगे। जब तक हमारा प्याज और लहसुन भुने तब तक हम मसाला तैयार करते हैं। आधा चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आधा चम्मच हम मिर्च डालेंगे। आप जैसे तेज खाना चाहें तो आप तेज कर सकते हैं। आधा चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच हम हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर, और एक चुटकी हम हींग डालेंगे। अब हम ये भूनेंगे। प्याज हम ब्राउन करेंगे थोड़ा सा। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, भून रहा है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। परमल सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। देखिए मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। प्याज को ज्यादा ना भुने। देखिए हमारा प्याज थोड़ा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें टमाटर और ये डालेंगे, फिर हम ये मसाला भूनेंगे। मसाला तब तक भूनेंगे जब तक हमारे टमाटर मैश ना हो जाए। थोड़ा सा हम ढक के पकाएंगे। देखिए दोस्तों हमारा मसाला भून के तैयार हो गया है। देखिए अब हम इसमें परमल डालेंगे, फिर थोड़ा सा इसको भी भूनेंगे। दो चार मिनट इसको भूनेंगे हम। तब ये हमारा थोड़ा परमल भून जाएगा, फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें एक सीटी लगाएंगे। देखिए हम इतना पानी डालेंगे, सिर्फ एक चम्मच के बराबर हम पानी डालेंगे, क्योंकि हम सूखे बनाएंगे। गाजर ऐसे वाले नहीं बनाएंगे, हम सूखे बनाएंगे, सूखे ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
अब हम इसमें एक सीटी लगाएंगे, कुकर बंद कर देंगे, सीटी लगने का इंतजार करेंगे। हमारे परमल बन के तैयार हो गए हैं, ये देखिए ज़्यादा पानी भी नहीं है। अब हम इसमें एक मैगी मसाला डालेंगे, ये देखिए इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए गैस मंद कर देंगे, देखिए दोस्तों अब हमारे परमल तैयार हैं, बन के तैयार हैं। अब हम सर्व करेंगे, गैस बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों हमारे परमल बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं, बताइए कैसे, कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी ज़रूर बजाइएगा।